अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने पार्ट वन अपलोड किया था भाई की एंगेजमेंट के लिए, तो ये हमारे यहाँ पहला जो फंक्शन होता है वो होता है परीक्षा, तो वही चल रहा है और कुछ कुछ पार्ट इसमें मिसिंग। मैं बार बार बोल दे रही हूँ, दूसरे के हाथ में फ़ोन था, दूसरे के हाथ में जिम्मेदारी थी। सून आपको कम्प्लीट वीडियो मिलेगा क्योंकि बस हमारे फोटोग्राफर्स देने वाले हैं, तो जब वो एक साथ में अपलोड करूँगे तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चल रहा है ऐसे परीक्षा का फंक्शन, जो परीक्षा मतलब ऐसे पहले लड़के की होती है, उसके बाद हम लोग क्या गोद भराई बोलते हैं, फिर लड़की आती है, तो ऐसा होता है। तो उसमें भी कुछ पार्ट होगा, कुछ मिसिंग होगा, तो प्लीज़ उसके लिए रियली सॉरी। और ये सब देखिए, आप देख ही सकते हो, सब बैठे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। और देखिए इसमें ऐसा होता है कि सारी चीज़ें मैं क्या दिखाऊँ, देखो फंक्शन होता रहता है, चलता रहता है, छोटी क्लिप्स इसमें डाल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके एंट्री का वीडियो मेरे पास नहीं था, तो बस मैंने थोड़ा सा डाला है। उसके बाद आते हैं गोद भराई वाले पार्ट में, और ये मम्मी ने चुनरी उड़ाई थी और हम लोगों ने साड़ी नहीं उड़ाई थी। साड़ी से क्या हैवी हो जाता है सर बहुत, मेरे साथ जैसे ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा फील किया। तो फिर आप साड़ी ना डाल के अलग से एक चुनरी जैसे हम लोगों ने ले ली थी, जो जितनी भी साड़ियाँ कपड़े लिए थे उसमें एक अलग से ले ली थी, और ये बहुत सुंदर सी थी। स्पेशली मम्मी का मन था जो बॉर्डर वाले आजकल चले हैं ऐसा सदा सौभाग्यवती भवा वाला लिखा हुआ इस तरीके का, तो ले ली थी, जिससे कि क्या हेयर स्टाइल भी नहीं बिगड़ेगी, हल्का सा लुक भी अच्छा आता है। तो मम्मी मेरे से मांग रही थी सेट दो सेट दो, और मैं ना हमेशा सेट का जो डब्बा है ना वो उल्टा ही खोलती थी, तो वो हमेशा उल्टा हो जाता था, तो अगेन फिर से वही हो गया। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ, मतलब टीका लगाओ, मिठाई खिलाओ, चुनरी उड़ाओ, उसके बाद जो भी आप जेवर लाए हो। तो जैसे हम लोग 5 करीब ले गए थे, तो वो सारी चीज़ें मतलब जो भी बड़ा सासू माँ या फिर दादी सास या इस टाइप के होते हैं, तो दादी तो है नहीं हमारी, तो ऐसा होता है कि ये सब देना है। तो इस तरीके से चीज़ें करी होती हैं हमारे यहाँ। उसके बाद बेसिकली इंगेजमेंट पार्ट आता है, इंगेजमेंट मतलब रिंग पहनाएंगे, लड़की लड़का रिंग पहनाते हैं लास्ट में, तो स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। तो ये देखिए भाई सासू माँ ने पहना दिया है जो भी उनको लाया था, ये सब चीज़ें अपनी अपनी, सब लोग ऐसे फोकस्ड थे। और फिर मम्मी देखो, मम्मी हम बगल में बैठे थे, मम्मी वैसे उंगली दिखा रही, ये लाओ वो लाओ ऐसा लाओ, तो ये ली थी पायले। तो ऐसे टोटल करके इस तरीके से चीज़ें हो गई थी, तो वो पहनाई नहीं थी, वो ऐसी मम्मी ने मतलब दे दी थी, क्योंकि सब नहीं होता इतना सब कहाँ होता है। उसके बाद आया था ऑब्वियसली मेरा पार्ट और साथ ही साथ आप देख सकते हो ऐसा लगाओ ये लगाओ, अब इधर देखो उधर देखो, फ़ोटो खींचो, ये करो वो करो, तो इस तरीके से था। तो आप ये देखिए, जो साइड में बैठी है रेड साड़ी में वो ममता की दीदी हैं, और जो ग्रीन साड़ी में बैठी हैं वो ममता की भाभी हैं। तो ये देखिए कंप्लीट एक फैमिली है, और ठीक है सब बढ़िया है, ऐसे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ऐसे चीज़ें थी। और ये देखिए मम्मी लाई थी मेरे उस तरफ से कि ये लो तुम ये दे दो, तो भाई मैंने भी कहा ये क्या है, तो ये लो ये मैंने दिया था, एक इयर रिंग्स दिए थे। तो बस इस तरीके से ये पार्ट भी हो गया था। और उसके बाद छोटा सा मैं दिखाती हूँ सबका, जब कंप्लीट वीडियो आएगा ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो सबकी आएगी, सब ने किया है, तो इसमें कुछ रिलेटिव्स होंगे मेरे, प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना, मौसी मामी जितने भी लोग हैं चाची लोग सबका आएगा, अभी रुक जाइए, मेरे पास से कुछ क्लिप्स मिस हो गई हैं, तो आप लोग को सबका आएगा। तो देववेद ने भी टीका किया भाई वुड बी मामी को, तो मामी के लिए, तो ये देखो दोनों शक्के बैठे थे, और साथ में ये भी कुछ दे रहे हैं, वो भी नानी अपना जो भी बोली होगी, तो नानी दे रही थी, और ये देखो इस तरीके से था। तो दोनों मिठाई खिलाने में मतलब देव को मिठाई बहुत पसंद है, तो वो खिला नहीं रहा था, उसको ऐसा लग रहा था मतलब कर ले, और जो गिफ्ट देना था ना वो लग रहा था लाओ हम ही वापस लिए चले। तो इस तरीके से पार्ट था, सब अपने अपना कर रहे थे, अच्छा लगता है, चीज़ें हैं एक बार होनी होती हैं, तो बस ये चीज़ें सब निपटी इस तरीके से करके, इस तरीके से फंक्शन।
तो आप देख सकते हो, तो कुछ ये लोग बैठ गए, ऐसे ही होता है। और पीयूष भी कुछ कुछ हमें कह रहे थे कि इनका देख लूँगा मैम, इनने कहा रहने दो, जितना जो दिख रहा है बस उतना ही हो जाता है। और ये वाला ना, ये वाला भी हम लोग ने फ्रेम बनवाया था, जिसमें देख सकते हो आप बीच में लिखा हुआ है पीयूष ममता, और इसकी क्लोजअप पिक मैंने कहा ना अभी, वो जो वो वाले वीडियो आएंगे ना, मतलब जो फोटोग्राफर की तरफ से, उसमें आपको क्लीन एंड क्लियर और एवरी थिंग सही से दिखेगा। तो मैं वही बोल रही थी कि चलो इसमें रिंग रखो, उधर वाली रिंग लाओ, इधर वाली रिंग इसमें रख दे रहे हैं। ये जो स्पेक्स लगा के है, ये ममता जी के जीजा जी हैं, और वो ममता की दीदी का बेटा है। तो ऐसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसमें रिंग लगा देते हम लोग, ये सब को थोड़ा सा अच्छा लगा था। लाइट वाइट प्रॉपर चल रही थी ना, तो जो प्लैनर था काफ़ी अच्छा था, हमने वेंडर से बनवाया था ये, लगे। जो भी चाहे ना तो वो ऐसा ले सकता है, और नाम वाम इसमें पूरी लाइट वाइट जलती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप करवा सकते हो, मतलब मैं ये बोली हूँ जो बनवाना चाहता है। जान मेरी जान।